नमस्कार, मेरा नाम देव और आप देख रहे हैं न्यूज रिपब्लिक अंदामान। आज की बड़ी खबर डिगलीपुर से। डिगलीपुर के कुछ नौजवान जो कॉक सिरप बनाया गया वो दवाई कहीं ना कहीं नशे, हम नहीं कह रहे हैं, ये वो नौजवान कह रहे हैं कि हम इसे नशा करते हैं। जो कॉक सिरप का दवाई का नाम रेक्सकॉक डीएक्स, ये दवाई का सेवन करके यहाँ का जो युवा है बोलते इसमें उनका नशा होता है। ये युवा कहते हैं उनको नशा होता है, उसका आदत लग चुकी है, उसका आदत लग चुकी है। आदत लगने का बाद ये लगातार इसी का सेवन करते हैं। ये बात चलते हुए एक बच्चे का जो पेरेंट्स हमें कंप्लेंट किया, करीबन 3 महीने पहले कंप्लेंट किया हमें, और बोल रहे दुकानदार बहुत आसानी से ये दवाई दे देते हैं और बिना डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्ट के बिना देते हैं। तो ये चीज़ को हम लोग गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम और मीडिया टीम एक साथ में स्टिंग ऑपरेशन किया और स्टिंग ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। दुकानदार दे देते बहुत आसानी से। फिलहाल एक दुकान का हम लोग स्टिंग ऑपरेशन जब हुआ और ये होने के बाद वो लड़का को कहना है, वो लड़का ही बोलते वो दुकान बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो स्टिंग ऑपरेशन किया, तो स्टिंग ऑपरेशन देखिए हमारे रिपोर्ट। यहाँ में जितना प्रिस्क्रिप्शन आता है ना डेली का, उसका हम लोग पेट भी नहीं चलेगा। डॉक्टर दवाई दे देंगे, नशा कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, इसको नशा करते हैं। ये कितना लोग जो है ये उसको लेते हैं? ये करीबन 15-20 जन डेली दुकान में आता है, उसका दुकान में हर टाइम सामान, मतलब वो जो रेस्कॉफ है वो जो लेने आता है 120 रुपये करके। उसको गोटा पिएगा तो फुल नशा हो जाएगा, और अगर आधा पिएगा तो वही कंट्रोल में रहेगा। अभी गोटा पीने वाला क्या है, डेली उन लोग को मांगता ही है, नहीं होने से नहीं होएगा। उन लोग डेली पीने ही है, पीने के लिए वो लोग डेली वही दुकान से लेता है, वो रेस्कॉफ डीएक्स काशी का दवाई। तो ये बताओ, जब दुकान में जाते हैं तो क्या आप लोग से पर्ची नहीं पूछते डॉक्टर के? नहीं, कोई पर्ची नहीं पूछते, पैसा देने से उन लोग दे देते हैं। कितना दे देते होंगे? उन लोग जितना पूछेंगे पैसा देगा, 4 बोलो 5 बोलो। आप कितना तक लिए होंगे? हम एक दिन में 8 भी लिया 8-9 भी लिया जी। हाँ, 8-9 भी दे देते हैं, बिना इंस्क्रिप्शन के। हम लोग मेडिकल में तो बिना इंस्क्रिप्शन के नहीं देते, वो जी वहाँ में दे देते। तो आपका फ्रेंड्स लोग भी ये सेवन करते हैं? हाँ, ये सब लोग फ्रेंड्स लोग सब लोग सेवन करते हैं। इन लोगों को डेली चाहिए, नहीं तो उन लोगों को दिमाग काम नहीं करेगा। कितने ले लेते होंगे? 2-3, एक लड़का लोग 2-3 ले लेगा। एज कितना है आपका फ्रेंड्स लोग और आपका? मेरा एज 19 साल चलता है, और ये दोस्त लोग का भी है 19, 18, 20, सबको दे देते, कोई उम्र नहीं पूछते। उन लोग जी दे देते हैं सबको, और सब नशा करते हैं, उनको मालूम भी है। हाँ, उन लोगों को पता भी है नशा करते हैं, उन लोग छुप छुप के नशा के लिए दे देते हैं जी। हाँ, छुप छुप के दे देते हैं नशा के लिए। पहले बोलता बाहर जाके देख के कोई है कि नहीं, बोलता नहीं है, फिर जाके हम लोग 2-3 बोतल 4 बोतल जितना चाहिए बोलता, लेके जल्दी पॉकेट में घुसा के भागो ऐसा बोलते हैं, हम लोग ले लेते ऐसे करके। अभी कितने दिनों से चल रहा है ये? करीबन बहुत दिन से चलता है, 1-1.5 साल से तो चलता है। इन लोग पकड़ा भी, फिर भी बीच में अभी फिर से देता है, देता ही है, इन लोग बंद नहीं होते हैं। ऐसा करने से तो खराब हो जाएगा दुनिया, ये बहुत गंदा चीज है, लेकिन लत लग जाता है, नहीं पीने से दिमाग काम। अगर मान लो आप एक दिन पूरा पीते नहीं है, इसको सेवन नहीं करते, तो वैसे में आपको क्या क्या तकलीफ होते हैं? बहुत तकलीफ होता है, डिप्रेशन होता है, फिर इसमें आपको कोई भी हरकत करने का दिल करेगा, पागल हो जाएगा, मतलब क्या बोलेगा इसमें, कुछ भी दिल करेगा, कुछ भी करने का दिल करेगा, क्या करेगा इसमें। नींद मिलने से चोरी उरी भी करता, फिर बिना पूछ के सिर्फ किसी का सामान उठाता। आप ये छोड़ के और क्या नशा कर लेते हैं? ये छोड़ के सामान गांजा, और इसके ये लेने के बाद गांजा पीना ही पीना, नहीं तो दिमाग काम नहीं करेगा, पागल हो जाएगा। तो अभी जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल में है वो सारे भी ऐसे गांजा लेते हैं? हाँ, ऐसे गांजा लेते, पहले इसको लेते फिर उसके बाद गांजा लेते, और इन लोग दुकानदार वाला दे भी देते आसान। तो फिर आप लोगों के पास में इतना फ्रेंड सर्कल है, वो सब है, तो आप लोगों के पास में पैसा कहाँ से आते हैं? वही तो, पैसा नहीं रहने से चोरी करते हैं।
तो इसी वजह से आप लोग चोरी करते हैं पीने के लिए। ये आदत कहाँ से लगा आप सभी फ्रेंड्स लोगों, आपके फ्रेंड्स लोगों को आदत कहाँ से लगा? दुकान में देते 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 आदत हो गया, अभी दुकानदार तो देता है। कहाँ से ले भैया? नहीं बोतल लेके जाता ना, बोतल लेके जाता। ये दवाई आप कैसे दिया बिना प्रेस्क्रिप्शन? हाँ दिया, कैसे मालूम आपको? जिसने बोला मुझे। आपको बोल के दे दिया? ठीक है, क्योंकि फार्मेसी किधर है? सर खाना खाने गए। तो फार्मेसी के बिना आप मेडिसिन दे नहीं सकते, आपको मालूम है? ये आप बिना प्रेस्क्रिप्शन दे ही नहीं सकते, आपको मालूम है?